ओम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं प्रीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कान राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्वजयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। श्लोक दोहराएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। पढ़िए। सौनक ऋषि प्रभु नहीं आए हैं इस बार, आप उनके बड़े भाई हैं छोटे हैं? अभी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ना, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, सौनक ऋषि प्रभु के भाई हैं। बहुत धन्यवाद है माताएं। शब्दार्थ शब्दार्थ है। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी मैं मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेति
जानता है तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है माम मुझको, एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज्य ऋषि भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। दोहराई, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर ये भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है, उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान
हैं वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा अश्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्य अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवद गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान सुनिए। श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, जो लोग श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को, जैसे हनी का बर्तन है, शहद का पात्र है, उसको बाहर से चाट कर कोई तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, वैसे ही भगवद्गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। क्या उपाय है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं येवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और भगवान में श्रद्धा विकसित कर लेता है तो उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। उसके लिए मुक्ति जो है सुलभ है। अगर कोई यह तत्वतः माने वास्तविक रूप में अच्छी तरह से अगर कोई जान ले कि कृष्ण पर ब्रह्म हैं, परम भगवान हैं और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी दिव्य है, उनकी जन्म से लेकर के उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं दिव्य स्तर पर हैं, दिव्य धरातल पर है, से भगवान के लीलाओं के विषय में लोगों की अलग अलग धारणा है। इस संसार में निर्विशेषवादी, शून्यवादी, या ज्ञान मार्ग का जो अनुशीलन करते हैं या कर्म कांड का जो लोग अनुशीलन करते हैं या अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, अन्य विधियों के द्वारा भी कुछ लोग तथाकथित अपने द्वारा बनाई हुई विधियों के द्वारा भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं।
तो ऐसे लोग इस संसार में कठिन परिश्रम करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ कर भी लेते हैं तो भी उन्हें संभावना रहती है फिर संसार में आने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी जो निर्विशेषवादी लोग शून्य में ध्यान करते हैं या ज्योति को ध्यान करते हैं, वो भगवान को प्रकाश, उनके शरीर से जो प्रकाशपुंज निकलता है ब्रह्म ज्योति, तो निर्विशेषवादी लोग ज्योति का ध्यान करते हैं। जैसे सूर्य लोक है और उसका एक बहिरंग प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है और सूर्य लोक है और उस लोक के एक राजा भी हैं, तो जो केवल प्रकाश तक ही जिसका समझ है वे नहीं जानते हैं इस प्रकाश के अंदर भी एक विशाल लोक है, उसमें भी दिव्य देवता निवास करते हैं, वहाँ भी एक राजा हैं। तो जो केवल प्रकाश तक ही जिनका ज्ञान सीमित है तो वो लोग उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी योगी शून्य में प्रकाश में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में तदात्म हो जाते हैं। अब ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद फिर वो संभावना रहती है ये फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है, कुछ समय के लिए होती है और इस भौतिक संसार में फिर लौट आने का भय बना रहता है। जैसे मुक्ति ब्रह्म ज्योति में, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वहाँ कुछ समय के बाद फिर वापस आ जाते हैं। जब मुक्ति में कैवल्य मुक्ति है, भगवान में एकाकार हो जाना, वैष्णव सिद्धांत में कैवल्य मुक्ति को आचार्य लोग नरक के समान मानते हैं, जहाँ भगवान के दिव्य स्वरूप के अनुभूति नहीं होती है, जहाँ भगवान के दिव्य सेवा भाव का उदय नहीं होता है, तो ऐसे मुक्ति को भक्त लोग नरक के तुल्य मानते हैं। ऐसे अन्य मुक्ति है उसको भी भक्त लोग नहीं स्वीकार करते हैं, जैसे श्राष्टी है, भगवान के स्वर्ग को प्राप्त करना, सालोक के भगवान के लोक में निवास करना, सारूप्य भगवान का रूप प्राप्त करना, सालोक सामीप्य सारूप्य और श्राष्टी भगवान का ऐश्वर्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुक्ति से क्या लाभ है, हमें तो भगवान का जन जन्मांतर सेवा चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। और दामोदराष्टक में तो सत्यव्रत मुनि नारद जी से वार्ता में कहते हैं कि हमें मुक्ति से क्या प्रयोजन है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो गोकुल में रहने वाले बाल गोपाल की जो छवि है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहा है, जिससे गोकुल प्रकाशमान हो रहा है, वही दिव्य मूर्ति हमारे हृदय में निवास करे, मुक्ति से क्या प्रयोजन है। तब भक्त भगवान के दिव्य रूप गुण लीला का आस्वादन करते हैं। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, इसी के गान में तद्बिरज गायन महामृतमग्न चित्त, प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, माने शाश्वत वैकुंठ में भी निवास नहीं चाहिए। सतव्रत मुनि भी कहते हैं मुझे आपके शाश्वत
वैकुंठ लोक में भी मुझे निवास की आकांक्षा नहीं है, मुझे आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं तो जहाँ कहीं भी रहूँगा आपके नाम रूप गुण लीला का गान करके ही आनंद में विभोर रहूँगा। तद्विरज गायन महामृतमग्न चित्त, भक्त कहीं भी रहे वो भगवान के दिव्य लीलाओं का गान करके आनंद का अनुभव करता है। जो भगवान के रूप का वर्णन करके कवियों ने एक एक ग्रंथ बना दिया है, उनके नाम के महिमा पर भी कई ग्रंथ हैं, उनके नाम रूप गुण लीला पर अनेक लीलाएं हैं, लीलाओं पर कवियों की अनेक रचनाएं हैं। श्रील व्यास देव ने तो 18 पुराण बना दिया है भगवान की लीला पर, उनके नाम रूप गुण लीला की महिमा का गान करते करते 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, महाभारत आदि कवि वाल्मीकि रामायण लिख दिए। तो भगवान की लीला कितनी महिमा है, और उसको गाने से सुनने से ही कितना आनंद का अनुभव होता है। सुखदेव गोस्वामी उसका गायन करते हैं, राजा परीक्षित सुन करके ही आनंद का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि उनको भूख प्यास भी नहीं बाधा देती है। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथामृत सुन करके तृप्त हो गए, यद्यपि उसी तृष्णा में, भूख की और प्यास की तृष्णा से बाध्य हो करके समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिए थे, और आज लगातार कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनको न भूख है न प्यास है, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत है। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन में अगर कथामृत हो जाए तो सुंदर हो जाता है। तापोत्रयन उन्मूलनम, जो ताप है त्रिताप, उसका जड़ से उन्मूलन हो जाता है, क्योंकि कथा उसके लिए अमृत है, मरे को भी जीवित कर देता है। कोई व्यक्ति मर भी गया है तो कथा अमृत से उसका जीवन नया जीवन हो जाता है। परीक्षित महाराज मर ही गए थे ना, सांप से मरने वाले थे, पर अब अनशन व्रत पर थे, अब मरने के लिए अनशन पर थे, लेकिन कथा अमृत सुन करके दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हो गई सुनने से। तो भगवान के जन्म कर्म समेत दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को सुनने से ही परीक्षित महाराज दिव्य भगवान के धाम में निवास करने की मुक्ति प्राप्त किए, और धुंधकारी सुन करके वो भी प्रेत ज्वनि से मुक्त हो गया। जन्म कर्म समेत दिव्यम, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से ही शाश्वत लाभ होता है, शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, केवल सुनने से। भागवत को केवल सुन करके ही परीक्षित महाराज कुछ किए नहीं, केवल सुने, धुंधकारी भी केवल सुना और कुछ नहीं किया। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज भी सुने, शिव जी से पार्वती जी ने सुना, काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी सुने, अनेक श्रोता हुए हैं, और चार कुमारों से नारद जी सुने, और नारद जी से भक्ति महारानी ने सुना, और वर्तमान में श्रील प्रभुपाद जी से पूरा संसार सुन रहा है कि नहीं। वर्तमान में हर भाषाओं में
श्रील प्रभुपाद जी ने गीता भागवत का अनुवाद करा दिया है, तो श्रील प्रभुपाद जी के वाणी को पूरा विश्व सुन रहा है और सब लोग सुन करके पढ़ करके कहीं सुनाई अनुमोदन कर रही, कोई कहता है कोई सुनता है कोई इसको अप्रिशिएट करता है अनुमोदन करता है, तो तीनों लाभान्वित होते हैं। तो भगवान की इस दिव्य लीलाओं को श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व मानव समाज को यथारूप में प्रस्तुत किया है, जिसे लोग सुन करके दिव्यता के दिव्य स्तर पर आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं और सुन करके। जो कोई अगर सुनेगा श्रद्धा से तो जरूर लाभ होता है। रुक्मिणी जी ने सुना था, रुक्मिणी जी भगवान को देखी नहीं थी, उनके लीलाओं को सुनी थी, उनकी बाल लीलाओं को पौगन कैशोर लीलाओं को सुनी थी, और सुनने से भगवान के प्रति उनका प्रेम हो गया सुन करके। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एवेति तत्वतः, तत्व तत्वतः अगर सही रूप में बिना कोई उसमें अपनी मीमांसा अपनी कोई वाक चातुरी कोई अपना उसमें स्पेकुलेशन न करके यथा रूप में अगर कोई सुने आचार्यों की परंपरा में, जो कृष्ण से आचार्यों की परंपरा रही उस परंपरा में अगर कोई सुने और विशेष करके अपने गुरु मुख से, कोई गुरु से अगर सुनता है आचार्य से सुनता है, जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे हमारा अधिक लाभ होता है। सुनने का ज़्यादा महत्व है पढ़ने से, इसलिए सुनने की परंपरा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने सुना है अपने गुरु से, वो अपने गुरु से ऐसे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी पढ़ने नहीं गए थे विद्यालय में, जैसे हम लोग स्लेट पेंसिल लेकर जाते हैं ना, कलम दांत लेकर, पहले चौक का स्लेट लेकर जाते थे। ब्रह्मा जी पढ़ने नहीं गए थे, केवल सुने थे, भगवान कृष्ण से सुने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से नारद जी सुने, और नारद जी से व्यासदेव सुने, और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी सुने, और सुखदेव गोस्वामी राजर्षि परीक्षित के मीरेमाण अवस्था पर गंगा के तट पर भागवत सुनाए, अनेक ऋषियों ने सुना, उसमें सुत गोस्वामी भी सुने, और सुत गोस्वामी फिर नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को सुनाए। तो सुनने की परंपरा है, सुनने से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए श्रवणम पहले आया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के विषय में सुनना और कीर्तन करना, इसलिए श्रुति शास्त्र है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते, श्रुति शास्त्र हैं जो सुनकर लोग याद कर लेते थे। पहले के लोग इतने प्रखर बुद्धिमान होते थे कि सुन करके आते, श्रुति स्मृति सुन करके स्मृति हो जाती थी, याद हो जाता था सुनने से। तो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को अगर कोई सुनता है सावधानी पूर्वक प्रामाणिक विधि से, सनातन गोस्वामी कैसे लिखे हैं कि इसको कैसे सुना है, को गुरु से वैष्णव से, जो परंपरा में हो, जो जैसा भगवान ने कहा है उसी रूप में, भगवान ने जैसा प्रस्तुत किया है उसी को अगर कोई यथावत सुनता है तो ज़्यादा लाभ होता है। अब कोई अवैष्णव से सुनता है जो भक्त नहीं है, बहुत ऐसे भी कथा करने वाले हैं बाहर में लोग जो वैष्णव नहीं हैं,
जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके कथा को एक व्यवसाय के रूप में चलाते हैं। बहुत लोग कीर्तन करते हैं, व्यवसायी कीर्तन, कहीं भी कीर्तन होगा तो साटा लिखवाते हैं, लेकिन उनको कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, ये भौतिक लाभ के लिए कीर्तन करते हैं। गीता को भी भौतिक लाभ तक सीमित रखते हैं, भगवान के प्रति प्रेम के लिए, उनमें भक्ति उपलब्धि के लिए नहीं करते हैं, ज्ञान के लिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में भी गीता भागवत के विद्वान हैं, आचार्य हैं, लेकिन ज्ञान के लिए, ज्ञान उपार्जन के लिए कि हम विद्वान हैं, वो भी भागवत के ऊपर, गीता के ऊपर गोष्ठी करते हैं, उनका भी व्याख्यान होता है, तो उनके उनके व्याख्यान का प्रयोजन क्या रहता है कि हाँ हम विद्वान हैं, नहीं कि उससे भक्ति की तरफ मुड़े हैं। गीता के द्वारा कृष्ण की तरफ जो मुड़ जाता है, कृष्ण में जिसका प्रेम हो जाता है गीता के द्वारा, कृष्ण को यह स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण पर ब्रह्म हैं, भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं। कैसे अर्जुन गीता सुन करके कृष्ण की ओर हो गए कि नहीं कृष्ण आप परम भगवान हैं। गीता जो पढ़ करके सुन करके समझ करके भी अगर भगवान को नहीं माना, भगवान को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार किया, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह तमोगुणी है। यहाँ लिखे हैं भगवद गीता श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवद्गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत विद्वत्तापूर्ण प्रवचन करने वाले हैं गीता के ऊपर, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, न कृष्ण को भगवान मानते हैं। बहुत लोग कृष्ण को मानते हैं कि एक राज्य नेता थे, एक महान पुरुष थे, यही मानते हैं बहुत लोग। तो गीता के द्वारा, गीता समझ करके पढ़ करके अर्जुन जैसे अगर कोई मान ले, कैसे अर्जुन गीता सुन करके स्वीकार कर लिए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभु। भगवद गीता अगर अच्छी तरह से कोई गुरु के मुख से, गुरु से विनित भाव में अगर सुन लेता है तो कृष्ण को मान लेता है कि आप परम भगवान हैं। कैसे अर्जुन अपने गुरु कृष्ण से सुने, अर्जुन को सख्य भाव से गुरु भाव में अपने को गुरु के रूप में, अपने को शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए। एकापन्न दोषो पहत स्वभाव भिक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन विनित भाव से कृष्ण को शरणागत किए और उनको गुरु रूप में स्वीकार किए, तब कृष्ण उनको ज्ञान दिए, ज्ञान देना प्रारंभ किए, और उस तरह से उस ज्ञान को प्राप्त जब किए तो अंत में कहे कि आप वास्तव में भगवान हैं, मैं तो आपको अपना सखा मानता था। सखेति मत्वा प्रसुभम जदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैं तो आपको अपना सखा या माँ तुलेयम या मेरा भाई मानता था, कभी आपको सम्मान नहीं देता था। कृष्ण बोलते हे कृष्ण आ जाओ, कृष्ण कहकर यादव कहकर के या अपना सारथी कहकर पुकारता था, या खाने सोने में आपके आसन पर बिहार से ही आसन भोजनेशु
खाने सुने आपकी बराबरी में मैं रहता था, लेकिन वास्तव में देखा बहुत महिमावान हैं आप, भगवान हैं आप, रथ के कोचवान नहीं आप तो भगवान हैं। मैं आपको अपने रथ का कोचवान मानता था, नहीं आप कोचवान नहीं आप तो भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं। ये हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता, अजानता महिमानम तवेदम। आप इतने महिमावान हैं मैं नहीं जानता था। मैं देख रहा हूँ सारे देवता आपको नमन कर रहे हैं, पश्यामि सर्वास्तव देवते हैं, आपके इस विराट शरीर में सारे देवता हैं, ब्रह्मा से लेकर के जितने भी देवता हैं। मैं आपके दिव्य शरीर में गर्भोदकशायी निम्न लोक में जो गर्भ समुद्र में गर्भोदकशायी विष्णु उनको भी देख रहा हूँ। अनेक तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, पर्वत है, समुद्र है, सारे आपके दिव्य शरीर में दिखाई दे रहे हैं। अनेक भुजाएं हैं, अनेक बाहु उधर वक्त नेत्रम। तो गीता सुनता है अगर कोई सही रूप में भगवान के इन दिव्य लीलाओं को, उनके जन्म की स्थिति को अगर कोई सही रूप में समझ जाता है, तो इस शरीर छोड़ने के बाद भगवान के शाश्वत धाम में निवास करता है। अगर केवल कोई समझ जाए तो, अगर भगवान की इस जन्म कर्म की दिव्यता को तत्वतः माने अच्छी तरह से अगर कोई जान जाए, कुछ लोग जानते हैं फिर कहते नहीं भगवान बहुत चोर थे, तो चीर चुराए थे। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान चीर क्यों चुराए। एक बार मुंबई में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक आदमी ने पूछा कि महाराज जी भगवान चीर क्यों चुराए। तो महाराज बोले कि इसमें क्या आपत्ति है, आपको कोई आपत्ति है चीर चुराए तो। महाराज कहे कि सुखदेव गोस्वामी को आपत्ति नहीं है, व्यास देव को आपत्ति नहीं है, अर्जुन को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं, आपको क्या आपत्ति है। आ नहीं पूछ रहा हूँ क्यों चीर चुराए। तो महाराज कहे कि चीर चुराए तो क्या है, चीर बढ़ाए भी तो हैं, किसी की किसी से का लज्जा उठाने के लिए या किसी से रंगरेली करने के लिए नहीं चीर चुराए थे, वहीं द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ा भी दिए हैं। जो किसी की रक्षा करने वाला चीर क्यों चुराएगा है? ऐसा नहीं कि भगवान उनको नग्न देखना चाहते थे या उनका उपहास उड़ाने के लिए या लज्जा उनकी लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, उसके पीछे बड़ा विज्ञान है। भगवान को ऐसा करें तो द्रौपदी को क्यों चीर बढ़ाए, द्रौपदी को तो लाज रखने चीर बढ़ा दिए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भी प्रश्न होता कि द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाए। किसी को मारे क्यों, किसी को रक्षा करते हैं, पुतना को मारे। भगवान का मारना भी उतना ही ये है जितना रक्षा करना। मार कर भी पुतना को अपना धाम में दे दिए, अपने घर में जशोदा का असिस्टेंट बना दिए, जशोदा को असिस्ट करने के धाय माँ हो गई, तो मारना कहाँ है। भगवान मारते नहीं है, वो कृपा करते हैं। भगवान का मारना और आलिंगन करना दोनों कृपा है। बाह्य रूप से भले ऐसा लगता है कि पुतना को मार दिए, लेकिन मारे नहीं उसको, तो कृपा कर दिए। वो मारने आई थी और अपना घर का चाबी दे दिए कि हमारे घर में रहो। महाराज कहते हैं जैसे कोई मारने के लिए राइफल लेकर आए, बोले कि ये घर आपका है आप रहिए। कोई आपको मारने आया है, सारा तिजोरी या अपना बंगला दे दिए कि आपके नाम से। भगवान को मारने के लिए आई थी और उसको गोलोक में निवास दे दिए। तो भगवान का छुराना बढ़ाना घटाना या लिंगन करना, आश्लिष वा पादरतम पिनष्टु माम, चेतन महाप्रभु कहते ना कि आप चाहे मेरा लिंगन करिए या पिनष्टु माम, पादरतम पिनष्टु या पैरों से कुचल दीजिए, भगवान के दोनों बराबर है। इस रहस्य को अगर कोई जान जाता है कि भगवान की लीला दिव्य है, संसारी स्तर पर नहीं है,
किसी को मार भी रहे हैं तो ज़्यादा कृपा कर रहे हैं, किसी को मारते हैं वो भी कृपा है। और मार वही सकता है जो जिला सकता है। भगवान किसी को मारते हैं तो उसको जीवन दान देते हैं, इसलिए मारना नहीं है। जैसे डॉक्टर किसी का बाईपास सर्जरी कर देता है, करके छोड़ देगा तो मुकदमा हो जाएगा, नहीं हम भी नकल करेंगे कि आइए बाईपास सर्जरी कर देता हूँ, तो मुकदमा जेल में चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर भी छाती को फाड़ देता है और लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक साल छः महीना का अपॉइंटमेंट होता है, और बल्कि विनती करें डॉक्टर से हमारा जल्दी फाड़ दीजिए ना सीरा, अब पैसा भी देते हैं। क्यों? जानते हैं कि उनका फाड़ना काटना जीवन दान देना है कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं करता है डॉक्टर, जबकि काटता ही है, पूरा दोनों अलग कर देता है। लेकिन फिर भी लोग पैसे देते हैं और बोलते हैं जल्दी हमारा अपॉइंटमेंट थोड़ा जल्दी कर दीजिए। वैसे भगवान अगर किसी को मारें तो वो बहुत अच्छा है उसके लिए, बल्कि अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई भगवान के हाथों अगर ऑपरेशन हो जाए बहुत अच्छी बात है, कि भगवान का मारना भी साधारण सामान्य नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। हम तो मार सकते हैं, किसी को जिला नहीं सकते हैं हम, किसी को जीवन दान दे सकते नहीं। भगवान का मारना भी जीवन दान है, कृपा है। भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तब ऐसा करते हैं। जैसे नारद जी भी अगर किसी को शाप देते हैं तो भी कृपा है। यमलार्जुन वृक्ष बन गए, नलकुबर और मणिग्रीव, नारद जी ने शाप दिया था जिससे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। श्रवण कुमार के माता पिता शाप दे दिए दशरथ जी को कि जाओ, जैसे हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं वैसे तुम भी पुत्र के विरह में तड़प तड़प कर मरोगे। तो महाराज दशरथ सोचे कि मुझे तो कोई पुत्र है ही नहीं, महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे, उनको पुत्र हुआ काफ़ी उम्र के बाद, वृद्धावस्था के जब ढलान पर थे तब पुत्र हुए। तो श्रवण कुमार के माता पिता जब साप दिए थे, वो बड़े तपस्वी थे, तो साप दिए कि तुम भी मेरे जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो दशरथ जी के लिए अभिशाप नहीं वरदान हो गया, लेकिन नहीं वरदान हो गया कि मैंने पुत्र होंगे, तभी ना। दशरथ जी अपने जीवन से निराश थे कि अब हमें कोई पुत्र नहीं हुआ, हमारे इस जीवन में कोई संतान नहीं होगी। लेकिन जब शाप मिला तो उनको आशा हो गई कि हमें पुत्र होंगे, तो उनके लिए वरदान हो गया। सब कहाँ है भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान अगर किसी को शाप देते हैं तो भी उसके लिए लाभ हो जाता है, लाभकारी हो जाता है। तो भगवान की के आविर्भाव और कर्म की दिव्यता को अगर कोई तत्वतः मैंने अच्छी तरह से समझ लेता है, उसके प्रति उसका हृदय उस कृष्ण अमृत रसायन से सिंचित हो जाता है, उसका हृदय उस रस से रसमय हो जाता है, तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिसका हृदय भगवान की लीलाओं से, लीला रस से सिक्त हो जाता है, सिंचित हो जाता है, उसके हृदय में रस की सरिता बहती है। आज जिसका हृदय शुष्क है, पत्थर जैसा है, उसमें नहीं होता है। तो भगवान के अनेक लीलाएं हैं। देखिए यहाँ चित्र बना है बकासुर का, भगवान ये कर रहे हैं, कितना अच्छा चित्र बनाने वाला, बहुत सुंदर बनाया है। बकासुर के चोंच को भगवान एक पांव से दबा दिए और एक हाथ से खींच दिए, बहुत बलशाली था। छोटा बालक जो है खेल खेल में, आघासुर इसका भाई आघासुर कितना बलवान था, उसका मुख ऐसा था कि माने गुफा है,
उसका नीचे का होठ और ऊपर आकाश तब भारी विशाल गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें सारे ग्वाल बाल और बछड़े गुफा समझकर अंदर जा रहे थे और कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि कृष्ण आएगा हमारी बहन का हत्यारा, अपने बहन के हत्या का बदला लेने के लिए अघासुर ऐसा विशाल अजगर का रूप बनाया था। भगवान बकासुर को भी मारे और अघासुर को भी, दोनों भाई थे पुतना के, पुतना के दोनों भाई बदला लेने के लिए आए थे कि मारेंगे इसको, हमारे बहन को मारा है। भगवान दोनों को खेल खेल में मारते, कुछ किए नहीं। सारे ग्वाल बाल बछड़े गुफा में अंदर जा रहे थे, भगवान समझ गए कि गुफा ने तो भारी अजगर का रूप लिया घासुर। भगवान जा करके उसके दोनों चोचों के बीच में अटक गए, अपना वजन इतना बढ़ाने लगे कि उसका चोच फटा का फटा रह गया, अपने शरीर में इतना गर्मी पैदा किए ये मर गया वो बिना प्रयास के। तो भगवान के इस दिव्य इन दिव्य लीलाओं को कि कैसे जन्म लिए, मथुरा में गोकुल में गए, अजन्म क्या लिए प्रकट हो गए। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अज हैं, अज अजन्मा हैं। चार भुजाओं में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान देव रूप में प्रकट हो गए देवकी वसुदेव के सामने। वो लोग निवेदन किए कि बाल लीला कीजिए, तब बालक रूप में हुए। जब प्रकट हुए तो कहे कि आप लोग पूर्व जन्म में विष्णु सुतपा के रूप में 12,000 वर्ष तप किए थे, फिर कश्यप पद्धति के रूप में तप किए थे, आप लोगों को मैंने वचन दिया था आपका पुत्र बनूंगा, आपकी इच्छा प्रबल इच्छा थी या हमारे पुत्र बनिए। तो भगवान इन बातों को याद दिलाए और उनके सामने फिर वो लोग निवेदन किए कि बाल लीला कीजिए, तब न हम माधुर बात्सल्य रस का आस्वादन कैसे करेंगी। तो भगवान अपने भक्त के लिए बालक बन गए। तो भगवान की जो ये लीलाएँ हैं, इसको अगर कोई अच्छा तरह से उसको जान करके उसका श्रवण कीर्तन करता है, अपने हृदय में अपने मन में अपने वाणी में उसको ग्रहण करता है, तो उस शरीर छोड़ने के बाद भगवान के दिव्य धाम में निवास करता है। परीक्षित महाराज तो केवल सुनने और सुनने से हो गया। एक बार परम पूज्य राधाकुंद महाराज कह रहे थे कि अर्जुन को गीता सुनने के बाद युद्ध करना पड़ा था, गीता सुने तो युद्ध करना पड़ा। अब भगवान के मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब परीक्षित को कुछ नहीं करना पड़ा, युद्ध नहीं करना पड़ा। अर्जुन को तो सुनने के बाद भी करना पड़ा युद्ध, माँ मनुस्मर युद्ध च तस्मा सर्वे सुकाले सु माँ मनुस्मर युद्ध च, लेकिन परीक्षित को कुछ नहीं पड़ा, केवल सुन करके ही। अगर भगवान की इस जन्म कर्म की दिव्यता को अगर सही सही कोई सुन लेता है सही व्यक्ति से, तो सुनने से ही वो दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम में निवास करने लगता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः नहीं जन्म लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। सुनने से केवल या उसको समझ जाने से, अगर कोई समझ जाता है कि भगवान का जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, बोलते हैं भगवान माखन चोरी किए, तेज चोरी किए। कृष्ण के ऊपर बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि वही कृष्ण माखन चोरी करते थे, कैसे कृष्ण लीलाओं पर शिशुपाल तर्क देता है, कंस को गुस्सा आता है, जरासंध को गुस्सा आता है, अरे तो बहुत बदमाश है, अपने मामा को ही मार दिया था अरे तो चीर चुराया था, असुर लोग उस पर प्रश्न करते हैं।
यह बहुत बेकार आदमी है, उनको ये नहीं कि पर्वत भी उठाया है, दावानल पान भी किया है, ना मुख में विराट विराट रूप भी दिखाया है, कंस मामा को ही केवल थोड़े मारा है, बड़े बड़े असुरों को खेल खेल में मार दिया है, 12 अवतार में दांत पर पृथ्वी को उठा लिया, कोई उठा सकता है? 52 अवतार में एक पग में ही पृथ्वी को माप लिया है, केवल मामा को ही थोड़े मारा है, बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं भगवान। तो इन सब लीलाओं को अगर कोई सही रूप में समझ जाए और उसका चिंतन करे तो इस शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में, केवल समझ जाने से ही कितना सरल है कि भगवान के दिव्य प्रकृति, उनके जन्म कर्म की लीलाओं को अगर कोई सही रूप में समझ जाए तो इसी से वो भगवान के धाम में चला जाता है और फिर भौतिक जगत में नहीं आता है। बहुत सरल है। निर्विशेषवादी लोग, शून्यवादी, कर्म ज्ञान कांड मिश्रित भक्त को बहुत समय लगता है, लेकिन जो भोले भाले भक्त हैं भगवान के दिव्य लीलाओं को सुन करके ही, सुना ही कहाँ ही अनुमोदन कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति कर लेते हैं केवल सुन करके। और सरल चीज़ है, भगवान के जन्म कर्म की लीलाओं को केवल सुने और गाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कुछ लोग पेशेवर गायक होते हैं तो कविता में भगवान की लीलाओं को बना करके उसको गाते हैं। कैसे माँ यशोदा गा रही थी, दधि मथ रही थी और भगवान की लीलाओं को गा भी रही थी, तो ऐसे लोग गाते हैं या उनके नाम का गायन करते हैं, उनकी लीलाओं का गायन करते हैं, इससे बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। प्रहलाद महाराज कहें तद्वीर्ज गायन, आपकी प्राकर्मयी लीलाओं का मैं गान करके ही मस्त रहता हूँ। तद्वीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त, लेकिन मुझे कहीं भी रहूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गा कर ही मस्त रहते हैं भगवान। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहे कि दो चीज़ करने से, मेरे जन्म कर्म की दिव्य लीलाओं को अगर कोई सही रूप में समझ जाए तो उसी से ही संसार से परे भगवान के साथ धाम में निवास करने लगता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।